एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से, दैट इज सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। ये एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6 एंड क्वेश्चन नंबर ये आपका 80। काफी अच्छा सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पर्पज से। एंड सवाल आपका ये है मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन। तो सवाल ये बोल रहा है आपसे कि आपके पास एक कोन है, ठीक, एक कोन के अंदर एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है, इट इज सिलेंडर इनसाइड द कोन एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज अल्फा इज गिवन। हम रेडियस एज्यूम कर लेते हैं सिलेंडर की, आर छोटी की आर है, बड़े की मान लेते हैं मतलब की आर, एंड हाइट ऑफ कोन हम एज्यूम कर लेते हैं एच, एंड ये जो हाइट है सिलेंडर की इसको मान लेते हैं हम स्मॉल एच। अब ये सवाल जो बोल रहा है ये कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए यदि इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है मैक्सिमम वो आपका 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा होगा। इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड विद इन ए कोन। कोन की हाइट आपकी इसमें एच छोटी वाली गिवन है, ठीक, इट इज द हाइट ऑफ कोन, तो ये हमको एच मानना पड़ेगा, ठीक। यार एक काम करो आप इसको एच मान लेते हैं ताकि याद रहे हमें, सिंपल सा रहेगा, हम इसको एच कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है, जो एच है वो हाइट ऑफ कोन ही है, तक याद रहे कि बड़ी वाली हाइट बड़ी एच है, छोटी वाली हाइट आपकी छोटी एच है, ठीक, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमें केवल कोन की हाइट दे रखी है, रेडियस हमने एज्यूम कर लिया है और आपको ये दे रखा है कोन का सेमी वर्टिकल एंगल। तो जैसा ही मैंने आपको बताया था गिवन चीज हमेशा होती है कॉन्स्टेंट, तो इसमें हाइट ऑफ कोन इज एच कॉन्स्टेंट होगी एंड सेमी वर्टिकल एंगल आपका अल्फा ये भी कॉन्स्टेंट होगा। आर नहीं दे रखा है तो हमको ये एज्यूम कर लिया गया आर, ये आपके यहां से हमको आपके आंसर में नहीं आनी चाहिए बिकॉज आपने इसको खुद एज्यूम किया है, आपका एज्यूम किया हुआ कोई पैरामीटर आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हमको जो लाना है इट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस लेकर के आना है एंड इट इज द 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्रूफ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा इसका, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपके देखिए दो दो वेरिएबल्स आपके सामने आ रहे हैं, इसमें आपका आर भी वेरिएबल आ रहा है और एच भी इसमें आपका वेरिएबल है, दोनों ही आपके वेरिएबल्स हैं। अब आपको क्या करना है, इनको रिमूव करना है। तो एक बात सोचिए आप, इट इज ऑल्सो आर बिकॉज इट इज आर, ये आपका आर हो गया, ये पूरा एच है आपका, ये इतना एच है, तो ये गैप जो आपका होगा ये गैप आपका हो जाएगा एच माइनस एच। अब यदि बात करें हम टेन अल्फा की, ठीक, तो आप एक बात सोचकर देखिए, अप्लाई टेन अल्फा इन दिस ट्राइंगल, टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, इट इज आर अपॉन बेसिस एच माइनस एच। यहां से आप निकाल सकते हैं आर की वैल्यू या एच की वैल्यू, जैसे आपका जो आर मिलने वाला है आपको वो आर मिलेगा यहां से टेन अल्फा एंड एच माइनस एच, इट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। इसको आप पुट कर दें इधर तो वॉल्यूम मिलेगा आपको पाई आर स्क्वायर, इट मींस टेन स्क्वायर अल्फा एंड एच माइनस एच का स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर हुआ अभी इनटू एच। तो वॉल्यूम जो मिला है आपको ये मिल गया है पाई टेन स्क्वायर अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये मिलेगा आपको एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस
2HH into H. यहां से पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब माइनस टू एच स्क्वायर एच. इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसमें आपका केवल एक ही वेरिएबल है, दैट इज स्मॉल एच. ठीक, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं डिफरेंशिएट डीवी ओवर बी एच. इट इज पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये आपका होगा एच स्क्वायर प्लस थ्री एच स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर एच एच. स्टेप टू, पुट डीवी ओवर डी एच इक्वल टू जीरो. जब ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर प्लस थ्री एच स्क्वायर माइनस फोर एच एच इक्वल टू जीरो. ये कौन जाएगा जीरो के अंदर, तो यहां से आपको मिला है थ्री एच स्क्वायर माइनस फोर एच एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इसको फैक्टर आप करेंगे दैट इज थ्री एच स्क्वायर प्लस और इट इज माइनस थ्री एच एच माइनस एच एच प्लस एच स्क्वायर इट इज प्लस इक्वल टू जीरो. यहां से कॉमन आपका आएगा 3H, यहां बचेगा H माइनस एच. यहां से आप कॉमन लेंगे माइनस का कैपिटल H, तो H माइनस एच इक्वल टू जीरो. यहां से आपको मिलेगा H माइनस एच एंड 3H माइनस एच इक्वल टू जीरो. यहां से मिलेगा H इक्वल टू H एंड यहां से मिलेगा आपको एच इक्वल टू एच बाई थ्री. ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एच और एच दोनों आपस में बराबर हो जाए. यहां से क्या करेंगे आप, इस वैल्यू को हटा देंगे, केवल आप एक ही वैल्यू लेंगे यहां से एच इक्वल टू एच बाई थ्री. ठीक, अब आपको चेक करना है क्या इस वैल्यू पर आपका ये वॉल्यूम मिनिमम हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो मैं इस वाले को वैसे रफ कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके. ठीक, इसको मैंने यहां तक मिटा दिया है h इक्वल टू h बाई थ्री का. तो चेक करने के क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अगेन डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. तो ये तो आपको कॉन्स्टेंट है बाहर टेन स्क्वायर अल्फा, ये जीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट. इट इज सिक्स एच माइनस इट इज फोर एच, ये सिक्स एच, ये हो जाएगा आपका फोर एच. अब इसमें मुझे पुट करना है एच इक्वल टू एच बाई थ्री. तो पुट करेंगे यानी कि डी टू वी ओवर डी एच इक्वल टू पाई टेन अल्फा सिक्स एंड वैल्यू ऑफ एच इज एच बाई थ्री. तो एच बाई थ्री माइनस फोर एच इट इज टू. टू एच माइनस फोर एच इक्वल टू ये आपको हुआ माइनस का टू एच माइनस टू एच पाई टेन स्क्वायर अल्फा. तो ये जो वैल्यू आपको मिली है इट इज नेगेटिव वैल्यू. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जो एच है जो आपका h है ये h बाई थ्री होगा तब आपके इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो होगा मैक्सिमम. वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा ये पता करने के लिए मुझको ये h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में. तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है जो आपने लगाया है निकालने के लिए आप यहां पर इसको पुट कर सकते हैं इसमें. वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई टेन स्क्वायर अल्फा इट इज एच स्क्वायर प्लस इट इज एच स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ एच इज एच बाई थ्री. इट मीन्स एच स्क्वायर बाई नाइन माइनस टू. एच की वैल्यू है आपके पास एच बाई थ्री एंड ये वाला एच आपका ये रहा एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल एच इज एच बाई थ्री.
तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज सिलेंडर इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें आप देखेंगे तो आपका कॉमन आ रहा है एच स्क्वायर, ठीक। आपका एक एस मौजूद है पहले से ही, ये हो जाएगा आपका एच क्यूब, ये टेन स्क्वायर अल्फा, एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहां से, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, एक एच आपका वो है तो कॉमन में हो जाएगा आपका ये एच क्यूब, ये थ्री जोगा क्यों है, यहां बचेगा वन, यहां बचेगा वन बाई नाइन, यहां बचेगा आपका माइनस टू बाई थ्री। तो इसका एलसीएम आपको मिलेगा नाइन, इट इज नाइन प्लस वन माइनस थ्री टू द सिक्स, टेन माइनस सिक्स इज फोर बाई नाइन, ये जो पूरा टर्म है आपका ये बचा है फोर बाई नाइन, तो इट इज फोर बाई नाइन इंटू एच क्यूब इंटू थ्री, इट इज पाई टेन स्क्वेयर अल्फा, इट इज वी। तो ये बचा वी इज इक्वल टू फोर बाई ट्वेंटी सेवन, फोर बाई ट्वेंटी सेवन पाई एच क्यूब टेन स्क्वेयर अल्फा। तो ये आपका है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, प्रूफ किया था आपने मैक्सिमम वॉल्यूम आपका ये आ गया। अब इसमें एक बात और मुझे प्रूफ करनी है कि हाइट ऑफ कोन की तुलना में हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, वन बाई थर्ड। तो ये प्रूफ कर चुके हैं पहले, जो आपका एच निकल के आया था स्मॉल एच, इट इज एच बाई थ्री निकल के आपका ये आया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जब हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ कोन का वन थर्ड होगा तब आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस, ठीक है। इसमें आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है जो हमने बहुत पहले प्रूफ की थी, ये दोनों बातें पूछी गई है आपसे। यदि आपका हाइट ऑफ सिलेंडर इतना होगा वन बाई थर्ड ऑफ सिलेंडर कोन, तो वॉल्यूम आपका इतना होगा। और इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिए आप कि हमने एच को मान लिया है हाइट ऑफ कोन, ठीक, जबकि इन द क्वेश्चन स्मॉल एच इन द हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो एच में और एच में कंफ्यूज ना हुआ, ठीक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।